खिसिया के आवेदन हटा देनी, हम के लेकर चलिए नहीं सर। हम लोग छानबीन करते करते इतना दिन हो गया, आज हम लोग को मालूम चला है कि कोई मछियट्टा के गेट पर कोई लाश है। नहीं, इस वक्त हम सिवान के सब्जी मंडी के किसुन कटरा में हैं और आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां से सुमित कुमार राम ताल्लुक रखा करता था और 2 महीने से वो घर से गायब था। हालांकि 2 महीने पहले जब वो घर से गायब हुआ तो घर वालों ने सिवान नगर थाने में आवेदन लेकर के गए थे। आवेदन जो है कि थाने में एक्सेप्ट नहीं किया गया और आज उसकी बॉडी मिली है और वो लगभग जो है कि जो बॉडी मिली है 2 महीने 2 दिन के बाद पूरा हरकंप समझ गया है, चीख पुकार परिवार वालों में मच गया। पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ था 2 महीना पहले? वो घर से गौ 20 रुपए लेके कहा था कि पापा आओ तो नहीं लेके गौ ओकरा बाद में गौ तो गोले रहे हम टाउन थाना में गौ से दरखास्त देवे तो नहीं चटर साहब कहा था नहीं कोनो लड़की उड़की लेके भागा होगा पहले उसको खोजो, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, कि उसको पहले खोजो उसके बाद में रिपोर्ट लेके आना। फिर दोबारा हमारे ससुर जी गए थे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ था। कितने तारीख का ये मामला था पूरा? ये हाँ 1 अप्रैल के राम जी के मेला के बिहान भैल। उम्र कितना है लड़के का? 19.5 वर्ष। 19.5 वर्ष। और जब थाने में आप आवेदन लेकर के गए थे, बच्चा कितने बजे घर से निकला था आपका? तो 8:30 8:30। और कितने बजे आप थाना पहुंचे? थाना हम 3-4 दिन के बाद पहुंचल बने। 3-4 दिन बाद पहुंचे। हाँ, जब आदमी खोज ले हुए तब आदमी थाना पर पहुँच हुए। क्या क्या कहा गया वहाँ से? तो हमने ये कमिश्नर के देखी ना साहब, लड़का हमारे गुम हो गए भाई, आवेदन भाई ले ली। तो कहते नहीं नहीं उतना लड़का भुलाने वाला नहीं है, ठीक है कि भुलाने वाला लड़का नहीं है, लेकिन लड़की का मैटर होगा, लेकर भागा होगा, पहले पता करो, खोजो पूरे इसको। हाँ, तो पिछले 2 महीने से आप लोग ढूंढ रहे हैं? हाँ, पूरा चारों बगल घूम रहे हैं। कैसे आज कैसे पता चला, कहाँ बॉडी कहाँ मिला है? बॉडी मिला वो जो हाला हुआ था तो हम लोग गए थे कि हाँ इसमें लाश है तो देख रहे थे, तो पूरा देखे थे तो भीड़ लगा था। तो फिर टाउन थाना के साहब आए थे, मनु बाबू आए थे, तो हम लोग देखे थे, हमारा साथ देखा था कि बोल रहा है कि हाँ भगीना है। जगह कौन सा है जहाँ बॉडी मिला है? मछली घट्टा। हाँ, चलिए कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे नानी हैं, ये इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था थाने जब आप लोग गए थे आवेदन लेकर के, तो क्या वहाँ से क्या कहा गया? सर कहानी जो थी लड़की लेकर भागल बड़ा से पहले खोज लो तब आवेदन ले, खिसिया के आवेदन हटा देनी, हम के लेकर चलिए नहीं सर। और वही घड़ी से लड़का के खोजत तो एक बार पता लागल हमने के चार बार जोत अभी एक बार पता लागल हमने के। चलिए, तो ये देख सकते हैं यही वो किसुन कटरा है, सब्जी मंडी का किसुन कटरा, जहाँ सुमित कुमार यादव। क्या पूरा मामला क्या हुआ था, थाने जब आप लोग पहुँचे थे तो थाना से क्या रिप्लाई क्या मिला था आपको? थाना में हम नहीं गए थे, थाना में हमारे बड़े पापा गए थे और मेरे बहनोई साहब गए थे। ठीक, हम यही सुने हैं कि थाना में कोई आवेदन नहीं लिए हैं और फिर हम वापस चले हैं। हम लोग छानबीन करते करते इतना दिन हो गया, आज हम लोग को मालूम चला है कि कोई मछियट्टा के गेट पर कोई लाश है। वो लाश सड़ गया था क्या? अब हम तो उतना ध्यान से नहीं देखे हैं, लेकिन हमको सुनने में आ रहा है लाश सड़ गया है। बस आत्महत्या है या फिर हत्या है? हत्या लग रहा है, हत्या। हत्या लग रहा है। हम तो अपने बिजनेस में लग रहते हैं, हम सुबह से शाम तक अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। अच्छा, जो पुलिस आप लोगों को ये कही थी कि लड़की लेकर के भाग गया होगा, आज उस पुलिस का क्या जवाब रहा है? ये सब पुलिस के लापरवाही है, पुलिस के लापरवाही। पुलिस के इथी रहता तो अभी तक बहुत छानबीन हो चुका होता, ये पुलिस के पूरा लापरवाही है बस। चलिए, तो देख सकते हैं यही वो मोहल्ला है जहाँ पे सुमित कुमार राम रहा करता था और आज 2 महीने 2 दिन के बाद, यानी 3रा दिन आज है, 2 महीना 3 दिन हो गए और आज उसकी बॉडी मिली है। हालांकि जब लड़का घर से गायब हुआ था रात के लगभग 7 से 8 बजे के करीब 1 अप्रैल को, तो घर वालों ने 2-4 दिन के बाद सिवान नगर थाने में गए और वहां आवेदन देने की प्रयास किया घर वालों ने, लेकिन थाने के द्वारा प्रयास जो किया गया था वो आवेदन नहीं लिया गया और ये कहा गया कि लड़की लेकर के कहीं भाग गया होगा। हालांकि लगातार 2 महीने से घर वाले ढूंढ रहे थे और आज सुबह यानी कि अचानक से ये खबर निकल के आई, लोगों के कान कान से ये बात लोगों तक पहुंचने लगी कि एक व्यक्ति का शव जो है वो सिवान के मछलीहट्टा में पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और जो परिजन पहुंचे तो पता चला कि वो शव जो है वो सुमित कुमार राम की है। हालांकि देखिए, जिस तरह से नगर थाने की पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार किया है, इस पर विभागीय कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा।